प्रिक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और इंडेक्स क्या कर रहा है? इंडेक्स वहीं पे जहां छोड़ के गया था कमर्शियल ब्रेक से पहले, वहीं पर ही है। अभी काम करते हैं, फोकस करते हैं थोड़ा सा ऑप्शंस पे। प्रशांत जी, क्या पिक कर रहे हैं आप सस्ता ऑप्शन? तो मेरे जी, यहाँ पे बहुत क्लियरली ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ है, और इसमें जो पैक लीडर है मारुति, उसने एक बहुत अच्छी मूव दिखाई है, और उसके बाद मुझे लग रहा है एक स्ट्रांग मूव के बाद एक डिप आई है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि मई के महीने में एक अच्छा मोमेंटम पिक होके हम जो हाई बने थे उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो इसकी जो मंथ ऑफ मई महीने की 12,900 12,900 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, करीबन 365 के आसपास चल रही है, इसको 350-55 के नजदीक खरीदिए। मुझे लग रहा है बहुत जल्द मिल जाएगी। ऑलरेडी महीने की शुरुआत है, प्रीमियम थोड़े इन्फ्लेटेड है तो कूल डाउन हो जाएंगे, बट यहाँ से स्टॉप लॉस हम रखेंगे 285 पे, और जो टारगेट होगा वो होगा 425 से लेके 450, 425, 450। ओके, मारुति की देखिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव कॉल है अभी ये, और क्योंकि ये एक तो स्टॉक चला बहुत है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, और दूसरी बात ये है क्योंकि ये सीरीज़ अगर आप देखें कल से कमेंस हो गया ना मई की 26, और इसकी एक्सपायरी है मेरे ख्याल से 30 मई की, तो ये एक बहुत लंबी सीरीज़ होगी 30 मई की, और क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत है इसके पास, थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव लगेगी। और हमें 13,000 के एक क्लस्टर को पार भी करना है, और उसको प्ले करने के लिए हमें ऐसी कॉल को यूटिलाइज करना है जिसका डेल्टा काफ़ी अच्छा खासा हो। तो मेरे ख्याल से इसलिए मानस ये प्रशांत जो है वो थोड़ा सा इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो ट्रेड है, जरा एक बार मारुति का स्पॉट लेके आइएगा प्लीज़। मारुति का स्पॉट देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या है, मतलब कभी कभार दर्शक अमूमन ये प्रश्न पूछते हैं ना कि यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव कॉल क्यों है, क्योंकि ये अभी एट द मनी कॉल है। तो डेल्टा एग्जैक्टली अगर आप देखें इसका 0.5 के आसपास होगा मेरे ख्याल से, और अच्छी खासी टाइम वैल्यू इंक्लूड करता है, तो इसीलिए इस स्ट्राइक को लेंगे हमें। अच्छा, एक दो स्टॉक्स में और मार्क करना चाहूँगा जहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है। नवीन फ्लोरीन पर आपका व्यू क्या है, जरा एक बार प्रशांत दीजिएगा। 3308 अभी डी हाई की ट्रैजेक्टरी में है, इसने मेरे ख्याल से मंगलवार को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, और उसके बाद 100 डेमा की ट्रैजेक्टरी को रीगेन किया, बट कल 100 डेमा से एक रिवर्सल आ गया, लेकिन आज का प्राइस बिहेवियर अच्छा लगता हुआ। आपका व्यू उस वक्त नवीन फ्लोरीन पे? तो वीरू जी, आपने जो कहा परसों एक जो स्ट्रांग मूव, जो ब्रेकआउट आया था, तो कल उसके बाद के जो गैप थी उसको टेस्ट हुआ है। मुझे लग रहा है वो जो कल के एक्शन हुई है वो रिमूवल ऑफ वीकर एंड्स था, और ये मूव अब कंटिन्यू हो सकती है। तो अभी जो प्राइस है करीबन 3,310-15 के बीच में, और आज का जो लो बना हुआ है वो 3,250 है। इसी लो को स्टॉप लॉस मान के चलिए, थोड़ा नीचे 5-10 पॉइंट 3,240-45, और एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लेनी चाहिए। मैं यहाँ से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 3,400-450 तो होगा, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मेरा नजरिया है हम इवेंचुअली जो 200 दिनों के एवरेज है 3,600 यहाँ तक जा सकते हैं। तो पोजिशनली रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है ये सही जगह है एंटर करने के लिए। नवीन फ्लोरीन, चलिए प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने। बट इस वक्त मैं अगर बताऊं स्क्रीन पे कोई चीज़ डिलीवर कर रही है तो वो है एक SBI, नज़र रखिएगा इसके बिहेवियर में आज एक बहुत बड़ा बदलाव है। 489 अमूमन ऐसे बिहेवियर में मिड सेशन में एक्सपायरी डे में जो स्टॉक्स होते हैं वो अपनी ट्रेजेक्ट्री को पूरा तब्दील कर देते हैं, दैट मीन्स इसका ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में जाने का चांसेस बहुत हैं। दूसरा स्टॉक जो कि मैं स्क्रीन पर छोड़ जाता हूँ वो है MCX, लिखा है एक बार स्क्रीन पे, इट्स 4133, ये भी ऑल टाइम हाई पे, और एक टिपिकल जिसे कहते हैं टेक्स्ट बुक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बहुत शानदार प्राइस पैटर्न डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और नवीन फ्लोरीन, ये तीन स्टॉक्स इस वक्त अच्छा मूव देते हुए। खैर, ये बात हुई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, और फ्यूचर ऑप्शंस पे कार्यक्रम आधारित FNO गुरुकुल आप देख ही चुके हैं, लेकिन अब चलना है इससे आगे की कड़ी पर। और अभी कुछ देर पहले इस कार्यक्रम से पहले मनीषा जी कमोडिटी बाजार का आपको हल बता रही थी, और कमोडिटी पे ही अपनी ग्रिप को थोड़ा सा और मजबूत कीजिए टेक्निकल और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से।